दोस्तों नमस्कार, मैं श्रवण सीएलसी। सीएलसी उत्तरी भारत का आईआईटी नीट एम्स की तैयारी कराने वाला एक वो संस्थान जहां सफलता के सपने संस्कारों के साथ सच होते हैं। दोस्तों सीकर हमारा हेड ऑफिस है, सीकर के अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर हमारे क्लासरूम प्रोग्राम चलते हैं, कोटा हमारा टेस्ट सेंटर है। सीएलसी पिछले 23 साल से काम कर रहा है। हम लोग इनिशियल स्टेज पे मूल रूप से मेडिकल पे काम करते थे, पिछले 6 साल से आईटी मेडिकल दोनों पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं बात करने जा रहा हूं रिजल्ट मेडिकल साइड से। 23 साल में 28 बार 28 टाइम्स हमने स्टेट मेडिकल को टॉप कराया है। जैसा कि आप जानते हैं स्टेट मेडिकल में 8 फर्स्ट रैंक होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, 4 मेल, 4 फीमेल। 8 फर्स्ट रैंक में से 2017 में 4 फर्स्ट रैंक सील्स हिंदी है, जिनमें 2 बच्चे 12th के साथ है, 1 बच्चा फ्रेशर है। और 18 में तो ये बहुत शानदार रिजल्ट बना। उन 8 रैंक में से फिर हमने 4 पे कब्जा किया है और कहते खुशी होती है वो 4 बच्चे हमारे 12th के साथ है। ये 17 और 18 के रिजल्ट की दोस्तों क्वालिटी है। अब मैं क्वांटिटी की बात करूं, 451 बच्चे का एडमिशन एमबीबीएस में हुआ है, जिसमें 33 बच्चा विद 12th, बड़ा अमाउंट है, 93 बच्चा फ्रेशर है। आप जानते हैं गार्जियंस, मेडिकल में 1 साल में सिलेक्शन अपने आप में बड़ी बात होती है। 107 बच्चा अपना आईटी और एनआईटी में गया है, जिसमें 31 बच्चा 12वीं के साथ है। अब आपको मैं 2013 से 2018 तक के मेडिकल रिजल्ट्स की एक विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। 2013 में आपके अपने सीएलसी ने 132 सिलेक्शन दिए, फिर 134, फिर 134, जैसा कि स्लाइड आपके पास चल रही है, 189, 341 और 451। हाँ, यहां हम उन्हीं बच्चों की बात करते हैं जिनका एडमिशन एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट पे हुआ। हम आईटी साइड में जाएं, आईटी का रिजल्ट हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। आप देख रहे हैं कि 2013 से 18 तक की बात करें तो 13 में 149 बच्चा हमारा आईटी एनआईटी में गया, फिर 203 बच्चा गया, फिर 126 बच्चा गया, फिर 16 में नो डाउट संख्या घटी 83, फिर लास्ट 134, इस बार 107। अब हम एम्स की बात करने जाएंगे। दोस्तों जहां सीकर में आज के 5 साल पहले लोग एम्स को जानते ही नहीं थे, स्लाइड आपके सामने आप देख रहे हैं, 2016 में अपने यहां से एम्स में 11 बच्चे गए, 17 में 32 बच्चे गए, इस बार 18 में फिर अपने से 25 बच्चों का एडमिशन हुआ, यानी 3 साल में 68 स्टूडेंट्स को दोस्तों एम्स में एमबीबीएस का एडमिशन दिलाना किसी भी संस्था, वो सीकर जैसे छोटे से कस्बे में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 13 से 18 तक 12वीं के साथ सीएलसी का कितना बच्चा मेडिकल गया, तो आप देखिए 13 में 8 था, फिर 5 हुआ, फिर 13 हुआ, उसके बाद आप देखें 16 से 10 था, 19 हुआ, 33 हुआ। एक नई टीम के साथ जुड़ के राइज हो रहा है, जो आप देख रहे हैं हर जगह हो रहा है। आईटी और एनआईटी में विद 12th फिर हम संख्या देखें तो फिर आप डाटा देखो, 13 में 27 हैं, 14 में 33 हैं, 15 में 29 हैं, फिर देखो 16 से 17 में बढ़े, 17 से 18 में बढ़े। हाँ, एक फ्रेशर शब्द बहुत कीमती होता है, 1 साल में किसी को डॉक्टर बनाना बहुत बड़ा इश्यू होता है। मैं दोस्तों फिर से फ्रेशर की बात करूं, 13 में हमारे यहाँ से मेडिकल में 44 बच्चा गया, फिर 40 बच्चा गया, फिर 26 बच्चा गया, फिर 16 के बाद देखो आप 28 बढ़ के 77 हुए, आज बढ़ 93 हैं। इन सारी स्लाइड्स के माध्यम से रिजल्ट तो मुझे दिखाना ही था, अब मैं स्लाइड के माध्यम से आपको सीएलसी की वो चीज दिखाने जा रहा हूं जिससे साबित होता है कि सीएलसी सीकर का श्रेष्ठ संस्था है। 2013 से 2018 तक नीट में सीएलसी ने 25 स्टूडेंट को पहले 500 की रैंक में स्टैंड करवाया है। सुनील विश्नोई नाम के स्टूडेंट ने नीट में ऑल इंडिया रैंक, नो कैटेगरी, नो स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 33 रैंक दिया है। पहले 100 में हम 4 बच्चे दे चुके हैं, सुनील, हेमंत सोनी, कैलाश बागड़ा और हमारा राजन चौधरी। दोस्तों ये मेडिकल में श्रेष्ठतम होने का हमारा प्रमाण है। इसी तरह से जेई मेन की बात करें तो 2500 की रैंक तक सीएलसी 24 बच्चा दे चुका है, जिसमें हमारी रश्मि चौधरी की 308 रैंक के साथ एक श्रेष्ठतम रेट हम सीकर को दे चुके हैं। 2018 में एमबीबीएस, आईटी, एनआईटी में सीएलसी से कुल बच्चा गया 558, 558 बच्चे का एडमिशन हुआ, जिनमें से 354 बच्चा हमारे सीकर क्लासरूम का है। इन 354 बच्चों में से दोस्तों 265 बच्चा हमारे हॉस्टल का है, स्लाइड के रूप में आप देख सकते हैं, यानी 75% बच्चा हमने हॉस्टल से दिया है। दोस्तों 2013 से 2018 तक के मात्र 6 साल में टोटल बच्चों को डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट के माध्यम से आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूं मैं। सीकर का सीएलसी एकमात्र संस्था है जिसके यहां से 32 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बच्चे सिलेक्ट हैं, हिंदुस्तान के 16 स्टेट के बच्चे सिलेक्ट हैं, टोटल 1381 बच्चा मेडिकल में गया है।
802 बच्चा आईटी एनआईटी में गया है। इनका जोड़ हम देखें तो 2183 बच्चा मात्र पिछले 6 साल में सीएलसी की अपनी मेहनत से एमबीबीएस आईटी और एनआईटी में एडमिशन लिया है। दोस्तों आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, सीएलसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। सीकर की सीएलसी सीकर की एकमात्र संस्था है जो नरी फाउंडेशन करवा रहा है। खेल शब्दों का नहीं है, रिजल्ट का है। सीकर की एकमात्र संस्था है जिसने पिछले साल स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम एसटीएससी में 2 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। समयंग पालीवाल जोधपुर ब्रांच से, उदय जांगिड सीकर ब्रांच से, दोनों का सिलेक्शन था एसटीएससी में और उदय का स्कोर 97% 10th क्लास में आया, समय का स्कोर 96% है। इसलिए गार्जियंस 8th से आप अपने बच्चे को, अपने नौनिहाल को सीएलसी को सौंप सकते हैं। हम आपको विश्वास दिला सकते हैं, आंकड़ों के आधार पे, रिजल्ट के आधार पे, हमारे संस्कारों के आधार पे आप विश्वास कर सकते हैं कि सीएलसी आपके बच्चे को एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छा नागरिक भी बनाने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पिछले 6 साल के संस्था के रिजल्ट दिखाए हैं जिसमें 13, 14, 15 में फ्लक्चुएशन है, 16, 17, 18 में प्रोग्रेस है। कारण बड़े 3 कारण थे। मैं अकेला व्यक्ति था, टीचिंग भी करता था, मैनेजमेंट देखता था, प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। मेरे पास प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं था, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, प्रॉपर हॉस्टल्स नहीं थे। 15 के बाद मैं खुद क्लास से बाहर आया तो मेरे जो एनर्जी थी मेरी वो सारी मेरे मैनेजमेंट में काम आई। मेरा बेटा अपनी डिग्री एनआईटी जालंधर से कंप्लीट करके मेरे साथ खड़ा हुआ। हमारे नरेश जी चौधरी जो मेरे पारिवारिक मेंबर हैं, एमडी ग्रुप, मेरे साथ खड़े हुए। हम तीनों ने मिलकर 100 लोगों की टीचिंग की टीम, 50 लोगों की मैनेजमेंट की टीम, 10 लोगों की कोर कमिटी टीम बना के हम लोग 16 से सुदृढ़ अतीत पे सुनहरे भविष्य की निर्माण हमने करना स्टार्ट किया। उसी की देन है कि आज 3 साल में संस्था राइज कर रहा है। बात का सीधा सार है दोस्तों, 2016 के बाद सीएलसी एक सिस्टम के साथ, एक व्यवस्थाओं के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आईआईटी एनआईटी एमबीबीएस और एम्स की तैयारी कराने वाला राजस्थान का सबसे विश्वसनीय नाम है। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार आप सीएलसी कैंपस को विजिट जरूर करें दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं श्रवण सीएलसी सीकर से। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीएलसी में आपके बच्चे की पूरी साल की दिनचर्या को बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। सीएलसी जिसका हेड ऑफिस सीकर राजस्थान है और राजस्थान में ही सीकर के अलावा हम अन्य 4 बड़े शहर अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर में हमारे स्टडी सेंटर चलाते हैं। कोटा हमारा केवल टेस्ट सेंटर है। सीएलसी जेई नीट और एम्स की प्रिपरेशन कराने वाला एक संस्था है। दोस्तों मैं 23 साल से बच्चों के बीच हूँ, गार्जियंस के बीच हूँ, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, जानता हूँ कि आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। आपके उन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मैं देने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके हॉस्टल्स कैसे हैं, आपके हॉस्टल की खाना कैसा है, यदि मेरा बच्चा रैंक में पिछड़ गया उसके आपके पास क्या समाधान है। हमने सुना है कि आपके यहाँ रात को स्टडी कैंप लगता है, उस कैंप में कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं, मेरे बच्चे को स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, यदि क्लास में पढ़ाया हुआ बच्चे को एक बार में ढंग से समझ में नहीं आया उसका आपके पास क्या समाधान है, हम तो 200 किलोमीटर दूर बैठे बच्चा बीमार हो गया तो उसका आपके पास क्या समाधान है। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं। ओके दोस्तों, अब आपकी इन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करने जा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न आपका टीम और क्लासरूम, टीम का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो टीम जिस क्लासरूम पढ़ा रही है उस क्लासरूम का वातावरण अच्छा होना उससे जरूरी है। मेरे पास 100 लोगों की परफेक्ट एक्सपीरियंस होल्डर, डेडिकेट और खुद के लिए नहीं काम करने वाले, स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए काम करने वाली टीम हमारे पास है। हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी टीम और मैनेजमेंट के बीच इतना अच्छा तारतम्य है, क्यों कि मैं इस सीएलसी इंस्टीट्यूट का नॉन प्लेइंग कैप्टन नहीं हूं। मैंने 20 साल टीचिंग की है, 20 साल मेरी टीचिंग का एक्सपीरियंस मैं मेरी टीम के साथ लेता हूं। इसलिए मैं मेरी टीम से हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप बच्चे को ये नहीं पढ़ाएं कि आपके पास कितना ज्ञान है, आप बच्चे को वो पढ़ाएं जिससे बच्चा सिलेक्ट होता है। दोस्तों उसी की देन है कि हम सीकर जैसे छोटे से कस्बे को हिंदुस्तान के नक्शे पर लेके आए। ये मेरी टीम की क्वालिटी और बच्चे के प्रति उसका डेडिकेशन है। परफेक्ट क्लासरूम निश्चित रूप से एयरकूल क्लासरूम है, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है, उन सब व्यवस्थाओं के साथ हमारी टीम आपके बच्चे को डेली 6 घंटे पढ़ाएगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि
कि आप यहां सीकर बच्चे को 24 आवर 24 घंटे के लिए छोड़ के जा रहे हैं, कोचिंग बच्चा 6 घंटे रहेगा, पीछे बच्चे 18 घंटे, बच्चे का यहां केयर टेकर कौन है, उसका गार्जियन कौन है, वो सीएलसी है। बच्चा साहब क्लास में आया नहीं आया हमें क्या पता लगेगा? तो आपको पता है हमारे इंस्टीट्यूट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, यदि आपका बच्चा अब्सेंट रहेगा तो शाम होने से पहले आपके पास अब्सेंट का मैसेज आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, सुबह आपके टीचर ने पढ़ाया, जरूरी नहीं है साहब हर बच्चे को सारी बात क्लासरूम में समझ आ जाए, हमारे बच्चों को कम समझ में आई या कहते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आई, उसका समाधान क्या है? तो दोस्तों यदि आपके बच्चे की मॉर्निंग शिफ्ट है तो शाम को 5 बजे से हमारे डाउट काउंटर लगता है, बच्चा वहां अपने डाउट खत्म कर सकता है। यदि आपके बच्चे की इवनिंग शिफ्ट है जो चलती है 2 बजे से 8 बजे तक, तो सुबह 9 बजे बच्चा डाउट काउंटर पे आके अपने डाउट्स खत्म कर सकता है। हाँ, डाउट काउंटर का ये एक शेड्यूल टाइम है, इसके अलावा भी बच्चा कभी भी सुबह 7 से लेके रात को 8 बजे तक टीचर से डिस्कस करके, टीचर से टाइम लेके अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए कोचिंग आ सकता है। इसी प्रकार पूरी साल का एक प्रिंटेड शेड्यूल हम बच्चे को देते हैं। मेडिकल के बच्चे का 2 वीक के बाद एक माइनर टेस्ट होता है, आईटी के बच्चे का 3 वीक के बाद एक माइनर टेस्ट होता है, उसके बाद बात आती है स्टडी मटेरियल की, एडमिशन के टाइम या विद इन ए मंथ एडमिशन आपके बच्चे को एक साथ दे दिया जाएगा, ताकि बार बार बच्चा स्टडी मटेरियल को लेकर कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद एक सीएलसी की और यूनिक फीचर है जिसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे यहां रात को स्टडी कैंप चलता, सेल स्टडी कैंप, रात को 8 से 12 यहां हजारों बच्चा आके बैठ के पढ़ता है, जैसा इस वीडियो के माध्यम से आपको उसको हम शूट करके दिखा रहे हैं। फिर बात आती है, आप कहेंगे साहब बच्चे के मार्क्स कम आ गए तो क्या होता है? इसके लिए हमारे यहाँ समय समय मोटिवेशनल असेंबली होती है, मैं खुद बच्चों से व्यक्ति बात करता रहता हूँ, साल में 4 से 5 बार तो मैं फेस टू फेस बच्चे से बात करता हूँ। उसके बाद एक और बात खड़ी होती है, साहब आज के टाइम में डिप्रेशन बच्चा आ गया तो क्या होगा? तो गार्जियंस सीएलसी में इसका तो बिल्कुल एक बर्मास्तर है, शाम को 7 बजे हमारी असेंबली होती है, मैं खुद वहाँ बैठता हूँ ऑलमोस्ट, वहाँ सारे बच्चे बैठ के असेंबली बैठते हैं, 15 से 20 मिनट को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है, तो ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम अपने आप वहाँ ऑटोमेटिक कम हो जाती है, घर की याद भी वहाँ बच्चों को कम हो जाती है, ये सारी जिम्मेदारियाँ संस्था की। बात का सार ये है कि 6 घंटे नहीं 24 घंटे की केयर करना सीएलसी की आदत में है और सीएलसी की ड्यूटी है। सीकर और जोधपुर 2 ब्रांचेज पे हमारे खुद के अपने हॉस्टल हैं, मैं विशेष सीकर की बात कर लूँ तो सीकर में संस्था के अपने हॉस्टल हैं, कुछ संस्था के हॉस्टल हैं, कुछ हमारे आसपास हमारे मित्र चलाते हैं हॉस्टल, तो करीब 4 से 5 हजार बच्चों की व्यवस्था संस्था और संस्था के जुड़े हुए कुछ लोग करते हैं, इसलिए आप निष्फिक्र होकर बच्चों को सीकर हॉस्टल में छोड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब हॉस्टल में छोड़ दिया ठीक है साहब, आपने खाना बढ़िया दे दिया, आपने उसकी रखवाली भी कर ली, बीमार उन दिखा दिया, पर भाई रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल सही बात कही, मेन तो रिजल्ट है। लास्ट ईयर मैं 2018 का एक आंकड़ा पेश कर रहा हूँ स्लाइड के माध्यम से, 2018 में कुल सिलेक्शन 558, सीकर से 354, उनमें से 265 बच्चा हॉस्टल का है, यानी 75% बच्चा सेलेक्ट हॉस्टल से होता है। तो मेरे हिसाब से अब अन्य कोई प्रमाण मुझे आपको देने की आवश्यकता है नहीं, आप समझदार हैं, आप निष्फिक्र होकर बच्चे को सीएलसी के साथ, सीएलसी के हॉस्टल के साथ जोड़ सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं मैं, मेरा मेडिकल का टॉपर है शक्तिराज झाला जो मेरे हॉस्टल से है, मेरा आईटी का टॉपर है निशांत और राजवीर, दोनों मेरे हॉस्टल से हैं, मेडिकल में पहले 20 टॉपर में 15 बच्चा हॉस्टल का है, आईटी में पहले 10 टॉपर में हमारा 7 बच्चा हॉस्टल का है, कहने का मतलब है कि हॉस्टल में रह के बच्चा टॉप कर रहा है, सिलेक्शन दे रहा है, तो शायद आपके ये जो एक पिता और माँ के भाव के जो भावनात्मक प्रश्न है उन सभी का जवाब रिजल्ट दे रहा है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। हाँ गार्जियंस, अब आपसे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं जिस रिजल्ट बनता है। रिजल्ट बनने में 3 चीज चाहिए, अच्छा बच्चा, अच्छी संस्था और एक अच्छे अभिभावक का होना बहुत जरूरी है। अच्छा अभिभावक वो होता है जो संस्था के द्वारा आपको जो भी सूचनाएं दी जाती हैं बच्चे की उनकी पालना करे। साल में हम 2 से 3 बार पीटीएम करते हैं, पेरेंट्स मीट करते हैं, आप उसमें आए, आप उसमें जब भी आए, आप पेरेंट्स मीट के अलावा जब भी सीख आए, आपके बच्चे के टेस्ट रिपोर्ट होते हैं हमारे पास, आपको पता है हर 15 दिन पे टेस्ट होता है जिसकी बाकायदा रिपोर्ट आपके घर SMS से जाती है, नेट पे वो रिपोर्ट रहती है। आप जब भी सीएलसी आए मेरे रिसेप्शन पे जाएं, वहां से बच्चे टेस्ट रिपोर्ट लें, टेस्ट रिपोर्ट के साथ मेरे से
या मेरे मैनेजमेंट के अन्य लोगों से या मेरी टीम के लोगों से मिलके आप उस पर सकारात्मक डिस्कस करें। गार्जियंस, इसमें हम आपका सहयोग चाहिए। समराइज करते हुए एक ही बात करने जा रहा हूँ, आप कोई भी अपने बच्चे को 8th, 9th, 10th, 11th, 12th टारगेट IT, PMT, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन स्कूलिंग कुछ भी करवाने के लिए एडमिशन लेना है तो आप एक बार सेल से विजिट जरूर करें। उसके बाद फैसला आपको करना है, क्योंकि निश्चित रूप से अपने बच्चे की सबसे ज्यादा परवाह आप कर सकते हैं, उसका सबसे सही फैसला आप कर सकते हैं। इसी अपील के साथ, इसी भावनाओं के साथ आपके बच्चे और आपके परिवार की खुशियों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Myself Palsana and I belong from Madhya Pradesh and 700 किलोमीटर डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे रहती हूँ। मतलब घर का फील आता है यहाँ पे, घर की याद नहीं आती क्योंकि बॉस इतना केयर करते हैं, पर्सनल केयर यहाँ पे मिलती है, वो एज अ फादर हमें यहाँ पे रख। अगर टीचर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। आप सुबह आ जाओ, दिन में आ जाओ, कभी भी आ जाओ, आपको हमेशा आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, उनसे आपको हमेशा टीचर अवेलेबल मिलेगा। माय नेम इज आरिन सुल्तानिया, आई एम स्टैंडिंग इन द रनिंग कोर्स बेस ऑफ द सीएलसी एंड आई एम फ्रॉम द जयपुर राजस्थान, व्हिच नॉट ओनली इंप्रूव द रिजल्ट्स ऑफ हिज स्टूडेंट बट इट इंप्रूव द इंटेलेक्चुअलिटी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड हिज ह्यूज हॉस्टल कैंपस टू द स्टूडेंट्स लाइक अस एंड दे प्रोवाइड होम लाइक केयर टू अस एंड टेक केयर लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। माय सेल्फ यशस्वी जैन, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। CLC, the best coaching in North India a student could ever be in. Actually, it's not just a coaching, it's a place where we learn to create our identities. It's a place from where no one leaves empty-handed, rather with lots and lots of memories and lessons of life. मेरा नाम लागव है और मैं यहाँ पे JEE की प्रिपरेशन के लिए हूँ और CLC इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक है। यहाँ का डाउट काउंटर बहुत अच्छा है, जहाँ पर बच्चा अगर कुछ भी सॉल्व करता है तो उसको जो अटकेगा वहाँ पे, मतलब और कोचिंग की तरह यहाँ पे बच्चे को ना देख के डाउट को देखा जाता है। हेलो, माइसेल्फ श्वेता कुमारी, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड आई एम नीट टारगेट फेस। बीइंग अ गर्ल, द बेस्ट थिंग व्हाट आई फेल्ट अबाउट हियर इज द सिक्योर एनवायरनमेंट। नो डाउट द क्लासरूम्स, द डाउट काउंटर्स ऑल आर वेल मैनेज्ड, द सिलेबस इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम श्रीगंगानगर राजस्थान एंड अ स्टूडेंट ऑफ नीट टारगेट। व्हेन आई केम हियर इन सीएलसी, the best thing I found about it was the education friendly environment that they provide in the hostels. I mean, the director of your coaching coming up to you and asking about your studies is really amazing thing. Hi, I'm Isha Dagar from Alwar. I'm now in 12th class bio. We know ki hum har ek cheez class mein nahi samajh sakte, to yahan ka jo doubt counter hai wo hamare liye ek tarah se medicine hai. अगर हम कोई चीज़ क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं तो हम यहाँ पे डाउट काउंटर पे वो टीचर हमें अवेलेबल हो जाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। मेरा नाम रतन है, मैं सरसा हरियाणा तो हूँ। मेरे मतलब मैं 9th जदों आया सीगा, मेरे पेरेंट्स ने मतलब CLC ते बहुत विश्वास करके मैनू पाया सीगा ते वो विश्वास मैं अजे तक टुटन नहीं देता। मेरे 10th 94% ने CLC तो ही, 11th च मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा। तो इतने खाना ते कैंप ते होस्टल्स बहुत वधिया ने, इतने होस्टल्स मतलब दूसरी कोचिंग्स के हिसाब से बहुत एक्सीलेंट हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनु मलिक, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। सिंस आई केम हियर, आई लाइक द बेस्ट थिंग इज द टेस्ट क्वालिटी। इट्स वेरी रेयर दैट यू स्कोर लेस इन नीट देन योर टेस्ट एवरेज हियर। माय नेम इज परवेश पेगू, आई एम फ्रॉम असम। व्हेन आई फर्स्ट केम टू CLC, आई डिडंट नो मच अबाउट CLC। व्हेन आई मेट बॉस, आई फाउंड हिम वेरी केयरिंग एंड द क्लासेस हियर आर वेरी गुड एंड द मोस्ट यूनिक फीचर अबाउट CLC इज द कोचिंग एंड कैंप। Hi guys, I am Soumya Dubey. I'm from Sagar, Madhya Pradesh. CLC is the best place to be in if you are preparing for medical preparation. I have been here in a target course and I have experienced an enormous increase in my percentage even here, and regular analysis of my tests. There are frequent tests, especially the doubt counters are the best and the teachers, faculties, they are so cooperative. मेरा नाम निखिल अग्रवाल है, मैं खेतड़ी झुंझुनू से हूँ, जहाँ पे 12th मैथ्स फाउंडेशन बेस में पढ़ता हूँ। यहाँ की फैकल्टी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और उनका हर पढ़ाया हुआ हर कॉन्सेप्ट मुझे अच्छी तरह याद रहता है। खुशी डोकवाल है, मैं रामगढ़ शेखावाटी की हूँ, मैं JEE टारगेट के बैच की हूँ और यहाँ रह के एकदम घर का खाना जैसा लगता है, बिल्कुल भी घर के खाने की याद नहीं आती। हेलो, माय नेम इज शोभिक पाल, आई बिलोंग फ्रॉम ओडिशा। आई हैव चूजन CLC ड्यू टू इट्स क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम 23 इयर्स। I liked the supporting and caring nature of the faculties. The motivation of boss is a great source for the failures. Hi, myself Khushboo Ramani.
I am from Neemuch MP. I am from 11th Foundation Maths. The most unique thing I like about CLC is its night camp. It's very well organized and arranged. The 4 hours of night camp study is very effective for us. मेरा नाम अमन अग्रवाल है और मैं विराट नगर जयपुर से बिलोंग करता हूँ. CLC के रिजल्ट में सबसे बड़ा योगदान CLC के नाइट स्टडी कैंप का है, जहाँ रोज रात को 8 बजे से 1 बजे तक नाइट स्टडी कैंप होता है, जहाँ सभी बच्चे बैठ के अपनी सेल्फी स्टडी करते हैं. This is Ayushi Kashyap from Somnath, Gujarat. I'm in NEET target phase. The best part I feel about CLC is its evening assembly. After the hectic schedule of classes and the load of NEET, I feel that assembly is so relieving, because here in the evening we perform and recite the Hanuman Chalisa and other mentoring mantras. My name is Shruti Verma. I am from Himachal Pradesh. For me, CLC is best for the preparation of competitive exams. Here both motivate each and every student and no one feel depressed. My choice is CLC and hope for yours also. My name is Sonali and I'm from Haryana. Target batch में हूँ, रहती हूँ मैं. और यहाँ का खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत nutritional है, hygienic भी है, घर के खाने जैसा होता है.